अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हबीब वजीर और आप देख रहे हैं एचबी टेक्निकल लैब। होपफुली यू विल एंजॉय टुडेज वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा कमाल के ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस नीचे सुर्ख वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चार्ट मेरा अपना बना बनाया नहीं है, बल्कि ये मेरा YouTube चैनल है, HB टेक्निकल लैब। ये मेरा लोगो और ये YouTube मुझे बता रहा है कि आपकी वीडियो कहां कहां, किस किस मुल्क में कितनी कितनी देखी जा रही है। तो दोस्तों, मेरे पाकिस्तान से ज्यादा बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा व्यूज हैं। एक नया यूट्यूबर हूं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि थोड़ा बहुत उस्ताद भी हो। तो दोस्तों, ये इस चीज को साबित करने के लिए ये मैंने आपके सामने एक पूरा चार्ट खोल के रख दिया। दोस्तों, ये मेरी इंडिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान चौथे नंबर पर, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, अच्छा नीचे आते जो मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अच्छा ये नीचे आते जो इराक, अल्जीरिया, कुवैत, इजिप्ट, कतर, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, ये पता नहीं कौन सा नाम है इसका। देखो, इस मुल्क का मैंने नाम भी नहीं सुना, लेकिन यहां पे भी मेरी आवाज लोगों ने सुनी है। फ्रांस, मेक्सिको, सिंगापुर, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, साइप्रस, तंजानिया, जापान, रोमानिया, रशिया, श्रीलंका, लेबनान, इटली। अच्छा दोस्तों, तो मैं कितने नाम गिनवाऊं, ये आखिर अजरबैजान। इन तमाम मुल्कों में मेरी वीडियोस देखी जा रही है, बेशक कम देखी जा रही है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो कम है, लेकिन अगर मुझे दिन में 20,000 भी व्यूज मिले तो आप अंदाजा लगा ले के वो अगर आधा मिनट भी एवरेज देख ले तब भी मुझे 10,000 मिनट मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो फिर तो टाइम का मसला ही नहीं है, क्योंकि पहले 5 सेकंड में एड्स चलती है, बेशक वो आगे वीडियो देखे या ना देखे। और ये बेचारे वीडियो देखे भी क्यों, क्योंकि इनको उर्दू से क्या लेना देना। ये देखें, ये सारे ममालिक, चलो इंडिया की तो समझ आ जाती है, लेकिन बाकी ममालिक वाले क्यों देखे कि उनको उर्दू का अलिफ बा भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो देखी जा रही है। अब मैंने कौन सा जादू किया है कि मेरी वीडियोस इतने ज्यादा ममालिक में देखी जाती है? तो दोस्तों, यह एक राज है और यह राज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखे ये वीडियो ज्यादातर लेक्चर पर ही मबनी होगी, तो उस लेक्चर से ही आपने बहुत कुछ सीखना है। अब लेक्चर क्या है? लेक्चर भी कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, सिर्फ मैं इतना आपको बताऊं कि दुनिया में करोड़ों लोग जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उनमें यू समझो कि 50-70% लोग जो है वो अपने मुकामी जुबानों में, अपने इलाकाई जुबानों में, अपने मादरी जुबानों में अपने मकसद की वीडियो YouTube पर सर्च करते हैं। अब अपने टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये सब इंग्लिश में दिया है, तो ये तो उन लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी जिन लोगों जो लोग जो है इंग्लिश में सर्च करते हैं। बाकी लोग जो सर्च करते हैं, जो चाइनीज जुबान में सर्च करते हैं, जो हिंदी में सर्च करते हैं, जो अरबी में सर्च करते हैं, जो इंडोनेशियन जुबान में सर्च करते हैं, जो फिलिपाइनी जुबान में सर्च करते हैं, यानी दुनिया की कितनी जुबानें मैं आपको गिनवा दो, तो उन तक यह आपकी वीडियो तो पहुंचने का इम्कान ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो है इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, ना ही YouTube का कोई मामा चाचा है कि वो उसकी वीडियो उठाकर लोगों को दिखा दे। YouTube
डिपेंड करता है जो आपके टैग्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर। बाकी ये यूट्यूब ये नहीं देखता कि आपने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है कितनी बुरी वीडियो बनाई है। वीडियो आप जितनी मर्जी अच्छी बनाएं, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। और अब काम कौन सा करना है, अब आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, बात तो सही की है कि हर कोई अपने इलाकाई जुबान में सर्च करता है, पर हमें तो चाइनीज जुबान नहीं आती, ना हमें फिलिपाइन वालों की जुबान, ना हिंदी हमें आती है। तो दोस्तों सोचो भी मत, आपको ये सारी जुबानें आती है और मैं गारंटी देता हूं कि आपको आती है। किस तरह, लेट्स वॉच। ये मेरा मोबाइल है, अब आप जरा गौर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने स्किप कर दी तो यह आपकी अपनी नाकामी है, मेरी भी थोड़ी बहुत तो है चलो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, पर आपकी बहुत ज्यादा है। दोस्तों यहां पे मैं सर्च करता हूं हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, यह मैंने लिखा और सर्च पे क्लिक किया। यहां पे उसने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। अब हिंदी में क्या लिखा है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि हिंदी में भी यही लिखा है, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस। अब दोस्तों इसको मैं यहां से कॉपी करके, फिर सेलेक्ट, फिर कॉपी। अच्छा अब आ जाए, चूंकि मैं ये देखिए ये यहां पे ऑलरेडी मैंने पेस्ट की हुई है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताना था, ऑलरेडी ये मैंने पेस्ट की है। अच्छा अब इसको यहां से आपने कॉपी करना है, किस तरह कॉपी करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। चलो ये हो सकता है बीच में मैं काट लूं ये टाइम, जो मैंने पेस्ट किया था वो ये रहा। अब इसको कर दे यहां से कॉपी, कॉपी कर दिया, और अब यहां पे एक नया टैब खोल दे। अच्छा नया टैब खोलने के बाद यहां पे आप सर्च करें YouTube टैग जनरेटर, YouTube टैग जनरेटर, ये दूसरे नंबर पर जो है इसके ऊपर आप क्लिक करें। चलो मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको, ये YouTube टैग जनरेटर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक कर दिया, अब इसको यहां पे जो आपने हिंदी जुमला कॉपी किया था उसको यहां पे पेस्ट कर दें और अब इसको सर्च करें। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गए हैं हिंदी में उसी जुमले के साथ, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, उसी जुमले के साथ हिंदी जुबान में आपके सामने टैग्स आ गए। इन टैग्स को आप कॉपी कर दें, कॉपी करके आप अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और टैग सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर दें। अब फिर दोबारा आप आ जाए मोबाइल की तरफ, ताकि मैं थोड़ी सी आपकी तसल्ली करवा दूं। अच्छा फिर आप आ जाए योर डिक्शनरी, अब ये जो हिंदी लिखा हुआ है, अब देखें ये इंग्लिश टू फिलिपाइनो, अब वही जुमला मैं फिर लिखता हूं, हाउ टू रैंक, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, इसको सर्च कर दें। यह इसने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इनटू फिलिपाइनो। अब इसको भी आप यहां से पेस्ट करें, जो मैंने आपको तरीका कार बता दिया वो आप दोहराएं, आप इसके भी टैग्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा यहां पे लिखा है अरेबिक जुबान में, अरेबिक जुबान में लिखा है क्या? अच्छा अब आपने अरेबिक जुबान में यही जुमला तलाश करना है। ये देखें इसने कैफा कैफिया तस्नीफ वीडियो हातुल यूट्यूब,
यह इसने तलाश करके आपको दे दिया। अब इसको भी यहां से कॉपी करें और वो जो टैग जनरेटर है उसमें आप पेस्ट कर दे, इसके भी आपके सारे टैग्स निकल आएंगे। तो दोस्तों आप जहां जहां आपको चांस लगता है, बल्कि पूरी दुनिया में वीडियोस तो देखी जाती है, बस ये है कि आपने वीडियो उन तक पहुंचानी है। और पहुंचाने का तरीका क्या है कि उनकी जुबान आपने इस्तेमाल करनी है, और उनकी जुबान इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको हरफ बहरफ बता दिया। सारे बड़े यूट्यूबर जो है वो यही तरीका कार करते हैं। अब आगे आपकी मर्जी, आपने मानना है, आपने यूट्यूब के चैनल को कामयाब करना है तो आप फॉलो करें, अदरवाइज यू कैन अवॉइड, यू कैन इग्नोर, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।